सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, उक्त बातें सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल भगत ने कही। बताते चले कि रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत विख्यात माँ विंध्यावासिनी के मंदिर परिसर स्थित 32 फीट की ऊंचाई से बना भगवान बजरंग बली की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर 3 युवक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किए हैं। वहीं वायरल फोटो को देखकर बरहरवा के सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल भगत थाने पहुंच लिखित आवेदन देकर प्रशासन से उचित कार्रवाई करने का आग्रह की। चूंकि मामला सनातन धर्म से जुड़ा था, साथ ही हिंदू धर्म रक्षा मंच के जिला संयोजक अमित भारती, बजरंग दल विभाग संयोजक नीलेश महतो सहित कई अन्य स्थानीय लोगों द्वारा सोशल पर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने को लेकर टिप्पणी करते हुए देखे गए। आपको बता दें, बरहरवा पुलिस निरीक्षक कुलदीप कुमार मामले को गंभीरता से लेते हुए आवेदन देने के महज कुछ घंटे पश्चात बरहरवा थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार, रांगा थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह के सहयोग से सनातन धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के जुर्म में संबंधित तीनों युवकों को अपने हिरासत में लिया। गौरतलब होगी, सनातन धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने संबंधित मामले में युवक की पहचान परवेज आलम 22 वर्षीय, पिता बबलू शेख, मुन्ना चौधरी पिता रंजीत चौधरी दोनों साथ गाछी निवासी व बिट्टू सिंह पिता राजेश सिंह भागलपुर निवासी के रूप में हुई है। गौरतलब हो कि बरहरवा शहर के लोग राम रहीम की जोड़ी में हमेशा विश्वास रखने का काम किए हैं। यही कारण है कि प्रशासन की सूझबूझ एवं बरहरवा शहर में दोनों समुदायों के बीच आपसी भाईचारा का संबंध देखकर बड़ी घटना होने से टली। फिलहाल रांगा थाना प्रभारी सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल भगत द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर संबंधित मामले में कांड संख्या 92/2021 दर्ज कर कार्रवाई की ओर अग्रसर है। ब्यूरो चीफ आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।